किसी भी बैंक की APS ID लेना चाहते हैं तो आप कैसे ले सकते हैं, उसके लिए आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपको कौन कौन सर्विस मिलेगी उसके बारे में देख सकते हैं। अदर सर्विस में आएंगे APS में EKYC आपको पहले नंबर में रखा है, जहां आपके लिए क्या क्या होना चाहिए, बेस्ट फिंगर प्रिंट करना है, फिर इसके बाद शॉप का किस कैटेगरी में शॉप आता है उसको सेलेक्ट करें, ग्रोसरी है, मेडिकल है, स्टेशनरी है, एजेंट शॉप, फुल एड्रेस विद पिन कोड, आप अपना पूरा एड्रेस यहां से डालेंगे, फोटो या फिर यहां से आप इस पर क्लिक करेंगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और यहां से अपना लाइव जाता है शॉप का फोटो जो इनसाइड विद एजेंट और शॉप का जो फोटो रहेगा आउटसाइड विद, यानी एक फ्रंट और एक बैक। आपको एक CSP संचालक है, रिटेलर है, किसी भी कंपनी का आप रिटेलर ID यूज करते हैं, आपको मालूम होगा आज की डेट में APS ID लेना कितना मुश्किल हो चुका है। किसी भी कंपनी का अगर आप ID लेना चाहते हैं तो NPCI बहुत सख्त हो चुका है। फ्रेंड आपको दो तरीके से वेरिफिकेशन होता है, एक आपकी खुद की KYC होगी और एक फ्रेंड आप कंपनी के द्वारा KYC करवाई जाती है, जिसको आप फिजिकल वेरिफिकेशन कहते हैं। आज की डेट में अगर आपके पास शॉप नहीं है फ्रेंड तो आप इस KYC को नहीं कंप्लीट कर सकते और साथ ही साथ आप यहां से किसी भी कंपनी की APS ID नहीं ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में दिखाऊंगा फ्रेंड अगर आप APS ID लेना चाहते हैं, खासतौर पर अगर आप एक EGPay के रिटेलर हैं या आपने ID ली हुई है और ID अभी तक आपने नहीं ली तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही साथ नंबर मिल जाएगा जहां से जाके आप ID को ले सकते हैं। अगर आपने वो ID ली हुई फ्रेंड अभी तक आपकी ID एक्टिवेट नहीं हुई, आपने KYC को कंप्लीट कर लिया तो एक फॉर्म मैं आपको दूंगा, उस फॉर्म को आप फिल करना, जहां सही से आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर सही से अपलोड करना है और अपने फैमिली में से किसी का भी अगर आप डॉक्यूमेंट मांगा जाए उसको सही से अपलोड करेंगे तो एक या दो दिन में आपकी ID जो KYC उसे सक्सेसफुली वेरिफिकेशन कर ले जाएगा और आपकी ID भी चालू हो जाएगी। तो इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। अगर फ्रेंड आप किसी भी बैंक की APS ID लेना चाहते हैं तो आप कैसे ले सकते हैं, उसके लिए आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपका काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस रहता है। लेकिन फिर अगर आप किसी भी बैंक की CSP सेंटर लेना चाहते हैं उसके लिए भी लंबा प्रोसेस रहता है, लेकिन आप किसी कंपनी की ID लेके बहुत आसानी से वर्क कर सकते हैं। इसमें भी आपके साथ एक समस्या ये आती है फ्रेंड कि यहाँ भी आपकी KYC होती है, तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा फिर जहां से मात्र एक फॉर्म भर के ही अपनी KYC को कंप्लीट करवा सकते हैं। NPCI में भी देख सकते हैं, जहां से आप इसके ऑफिसर पोर्टल पे आएंगे तो यहां से इनके द्वारा भी बताया गया, नीचे आएंगे कि आपको ये KYC कंप्लीट करना जरूरी है, कौन कौन सर्विस मिलगी उसके बारे में देख सकते हैं। अदर सर्विस में आएंगे APS में EKYC आपको पहले नंबर में रखा है, जहां से आपके लिए क्या क्या होना चाहिए, बेस्ट फिंगरप्रिंट डिटेक्शन होना चाहिए, डेमो ऑथराइज होना चाहिए, टोकेजेशन होना चाहिए, आधार सीडिंग का आपको स्टेटस होना चाहिए, तभी आप APS ID अगर आप आज की डेट में यूज करना चाहें तभी आप इसे यूज कर पाएंगे। जिस कंपनी की ID की मैं बात कर रहा हूँ फिर यहाँ से इसका नाम EGPay है। अगर अभी तक आपके पास EGPay नहीं है, EGPay के बारे में नहीं जानते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं EGPay के बारे में। तो यहाँ से देख सकते हैं आपको मल्टीपल सर्विस देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ से आधार पे यहाँ से APS है, मिनी ATM, माइक्रो ATM, ईजी ट्रांसफर है, पैन कार्ड बना सकते हैं, पैन कार्ड का आपको दोनों सर्विस दिखे SDL और UTI दोनों पैन कार्ड मिल जाता है, IRCTC है, फाइल ITR कर सकते हैं, मोटर इंश्योरेंस मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पोस्ट पेड, लैंडलाइन बुक है, सिलेंडर है, कई सारे आपको मल्टीपल सर्विस देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव आपको ऑफर मिलता है, जहां से टॉप अप कर सकते हैं, मोबीक्विक का टॉप अप है, ICICI का बैंक अकाउंट, अमेजॉन पे, टैक्सेशन, ITCR फाइल कर सकते हैं, तो ये सारी सर्विस आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर अगर इसका कमीशन चार्ज जहाँ देना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल में विजिट करिए, जहां से मैंने इसके टेलीग्राम में शेयर कर दिया हूँ कमीशन चार्ट के PDF को, तो वहां से आप जाके इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर फिर इसकी ID और पासवर्ड लेना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन चेक करिए, जहां से मैंने आपको बताया है कि आप कैसे इसकी ID और पासवर्ड ले सकते हैं, नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ फिर यहीं से देखेंगे तो आपको कई सारे सपोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है और सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लेते हैं। अब जब फिर जिनके पास ये ID है और अभी तक आपकी KYC डन नहीं हुई, फिजिकल वेरिफिकेशन डन नहीं हुआ है, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है फिर जहां से आप इसको डन करवा सकते हैं। तो सिंपली इसके लिए आपको करना क्या है फ्रेंड कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस फॉर्म का लिंक दे दूंगा। ये फॉर्म मैं आपके सामने ओपन किया हूं फ्रेंड, ये गूगल फॉर्म है, लेकिन फिर ये फॉर्म जो है आपके मेरी तरफ से नहीं बनाया गया, ये फॉर्म जो बनाया गया EGPay के द्वारा ही बनाया गया है। तो यहाँ से आपको एक ईमेल ID से इसमें लॉगिन करना, लेकिन ध्यान रखें फिर यहाँ जो आपको ईमेल ID देंगे वो ईमेल ID जिस ईमेल ID से आपने ID क्रिएट करा तो वही ईमेल ID होना चाहिए। अगर दूसरी ईमेल ID दिख रही है तो आप स्विच अकाउंट पे क्लिक करके ईमेल ID को चेंज कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको अपना पूरा नेम देना है, फिर अपना एक मोबाइल नंबर देना जो अपने यहाँ से EGPay जिस नंबर से बनवाया हुआ है, अपना मेंबर कोड आपको यहाँ से फिल करना है, फिर इसके बाद शॉप का किस कैटेगरी में शॉप आता है उसको सेलेक्ट करें, ग्रोसरी है, मेडिकल है, स्टेशनरी है या मोबाइल या फिर कोई अदर, जैसे अदर है तो अदर पे क्लिक करेंगे और उस शॉप के शॉप का नेम फिल करना है। नीचे आएंगे तो एजेंट शॉप नेम डालना है, यानी उस एजेंट शॉप नेम क्या है, उस शॉप का क्या नाम है, एजेंट शॉप फुल एड्रेस विद पिन कोड, आप अपना पूरा एड्रेस यहां से डालेंगे फिर, लेकिन पिन कोड के साथ अपना एड्रेस डालेंगे। अब इसके साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट यहां से देख सकते बताया गया एजेंट का लाइव फोटो, जी हाँ फ्रेंड, यहां से आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और यहां से अपना लाइव फोटो आपको यहीं से अपलोड करना है।
इसके बाद नीचे देखेंगे तो आपको मिल जाता है शॉप का फोटो जो इनसाइड विथ एजेंट, और शॉप का जो फोटो रहेगा आउटसाइड विथ एजेंट, यानी एक फ्रंट और एक बैक आपको दोनों फोटो देना अपनी शॉप का। फोटो की क्लियरिटी फ्रेंड आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए, फोटो ऐसा नहीं है कि धूमिल होना चाहिए या फिर आपकी दुकान अच्छे से विजिबल नहीं हो रही है, फोटो आपका पूरा क्लियर होना चाहिए तभी आप यहां से इस केवाईसी को कंप्लीट कर पाएंगे। नीचे आएंगे तो शॉप का डॉक्यूमेंट क्या दे रहे हैं आप, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, सर्टिफिकेट लेटर दे सकते हैं, बैंक का स्टेटमेंट दे सकते हैं जो कि करंट विद द शॉप नेम के साथ रहेगा, शॉप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, जीएसटी सर्टिफिकेट है और हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं या अदर कोई आप डॉक्यूमेंट देना चाह रहे हैं इस पे क्लिक करके और यहाँ से उस डॉक्यूमेंट का नाम डालेंगे कौन सा डॉक्यूमेंट है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा जिनके लिस्ट दी गई इन्हीं में से आपको कोई डॉक्यूमेंट दीजिएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आप यहाँ से बिल भी देना चाहे तो बिल को भी दे सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट को आप कैसे अपलोड करना है। अब इसके अलावा नीचे के आपके आधार कार्ड का लगेगा, लेकिन ये फ्रंट साइड आपको होना चाहिए और यहाँ से अपने आधार कार्ड के बैक साइड का आपको अपलोड करना है। फिर इसके बाद नीचे आएंगे फिर तो आपको अपने एजेंट का पैन कार्ड, यानी जिनके नाम से शॉप है उनका पैन कार्ड, सॉरी जिनके नाम से आईडी है उनका पैन कार्ड यहाँ पास लगेगा। फिर और नीचे आएंगे तो एजेंट बैंक का नेम किस बैंक का है उसको आप कैसे फिल करना है। इसके अलावा फिर यहीं से नीचे आएंगे तो देख सकते हैं एजेंट का क्या नाम है, बैंक का अकाउंट नंबर देना है, जो बैंक है उसका एफएससी कोड फिल करेंगे। फिर इसके बाद पासबुक या फिर ब्लैंक चेकबुक को यहीं से आपको अपलोड करना है, अगर आपके पास पासबुक है तो पासबुक अपलोड करेंगे या ब्लैंक चेकबुक है तो कैंसिल करके उसको अपलोड करेंगे। वोटर आईडी कार्ड फ्रेंड उसको आपको अपलोड करना है, फ्रंट में वोटर आईडी कार्ड को बैक में अपलोड करना है। फिर इसके बाद यहां से एक डॉक्यूमेंट मांगा जाता है आपके जो रिलेटिव जिनमें मदर्स एंड फादर्स का वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, जिनमें से आपको कई ऑप्शन मिलते हैं, फादर्स का देना चाहते हैं, मदर्स का देना चाहते हैं, वाइफ का देना चाहते हैं, अगर जिनका भी देना चाहते हैं आप उसको देंगे। फिर ये अपलोड फादर एंड मदर की जो वोटर आईडी कार्ड फ्रंट साइड अपलोड करनी है, फिर इसके बाद आपको यहाँ से अपनी बैक साइड का अपलोड करनी है। फिर इसे पूछा जाता है क्या आपके पास लैपटॉप या पीसी है, तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। पूछा जाए कि आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है, तो यहाँ यस लिखेंगे और उस बायोमेट्रिक डिवाइस का आपको फिर यहाँ से नेम देना, जैसे अगर आपके पास मंत्रा है तो आप यहाँ से मंत्रा टाइप करेंगे, मार्पो है तो आप यहाँ से मार्पो टाइप करेंगे, जो भी आपके पास डिवाइस रहेगी उस डिवाइस का नाम आपको यहाँ से टाइप करना, जैसे मेरे पास मंत्रा है मैं मंत्रा सेलेक्ट कर रहा हूँ। नीचे दिया गया बिटवीन शॉप होम एंड डिस्टेंस, यानी जो आपका शॉप है और जो आपका होम है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, जैसे मेरे शॉप और होम की में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो मैं यहाँ 3 किलोमीटर इस प्रकार से डाल दूंगा। इसके बाद नीचे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो है आपको एक वीडियो बनाना है, वीडियो क्या करना है फ्रेंड आपको अपना फ्रंट कैमरा चालू कर लेना और बोलना है कि क्या बोलना, छोटा सा वीडियो बनाना जिन्होंने नीचे लिखी बातें बोलना है। तो पहले सबसे पहले बोलना मेरा नाम ये है, मेरे फादर्स का नाम ये है, मेरा पूरा पता ये है, मैं इजी पे में रिटेलर के द्वारा बैंकिंग सुविधा अपने नजदीकी जो ग्राहक है उनको देना चाहता हूँ, मैं इजी पे की पूरी नियम और शर्तें के मान्य पे ट्रांजेक्शन करूंगा, ये दूसरे लैंग्वेज में फ्रेंड अगर आप इसे देखना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेंड हिंदी नहीं आती है, आप किसी अदर स्टेट से हैं, तो आप यहां से क्या करेंगे इसको अपने गूगल ट्रांसलेट में जाकर ट्रांसलेट करके इसको बोलेंगे। फिर वो वीडियो को आपको करना क्या है, यहां से इस पे अपलोड करके इसे अपलोड करना है, ये सारी जानकारी आपको फिल करनी है फ्रेंड, जो कि मैं फिर से कह रहा हूं आप बहुत ध्यानपूर्वक आप इस जानकारी को फिल करिएगा। इसके अलावा फिर सब जानकारी फिल करने के बाद आप यहां सभी सर्टिफिकेट को अपलोड भी करेंगे, इस बॉक्स को टर्म एक्सेप्ट करेंगे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ से कस्टमर केयर से एक बार बात जरूर करनी है आपको सपोर्ट के लिए, तो उनके द्वारा ही आपको ये सपोर्ट करने के बाद ही आपको इसे अपलोड करेंगे, फिर वो वेरीफाई करके आपकी आईडी को पुनः चालू कर देंगे या फिर अभी तक आपने अब बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट नहीं हुई है तो उसे जरूर एक्टिवेट करें। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड, वो ये है कि आपकी जो आईडी का जो वैलिड उसमें आपके मिनिमम 200 रुपए एड होने चाहिए, अगर अभी तक आपने ऐड नहीं किया, आपने नई आईडी ली हुई है तो अपने बैलेट में आप सबसे पहले 200 रुपए ऐड जरूर करें तभी आप ये कंप्लीट करवा सकते हैं। 200 रुपए ऐड करने के बाद फिर इस फॉर्म को फिल करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे मैंने दे ही दिया हूं, तो फिर इसके बाद ही जो आपकी इजी पे की रिटेलर आईडी है वो फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और सक्सेसफुली आपकी आईडी को चालू कर दिया जाएगा, तो आप हर सर्विस को यूज कर सकते हैं, चाहे आप आधार एटीएम यूज करना चाहे फिर कोई अदर एपीएटीएम यूज करना चाहे उसे यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान तरीका है जहाँ से आप देख सकते हैं अपने इजी पे की आईडी को एक्टिवेट करवा सकते हैं या फिर अगर आप लेना चाहते हैं रिटेलर आईडी तो उस आईडी को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, इस तरीके से नए एपीएस रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल पे अगर आप हमारे पहली बार विजिट करने पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिएगा। मैं आपके लिए जितने भी हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।